नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम रिपर्ट्री सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें कि हम हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ रिपर्ट्री, बोनिंग हसन रिपर्ट्री, बोगर रिपर्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम कैंट रिपर्ट्री के एमसीक्यूज भी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में आप उसमें जा करके देख सकते हैं। आज हम सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स, कैंट रिपर्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है फ्रेंड्स, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए, देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कैंट रिपर्ट्री के फर्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स अपन 163 नंबर क्वेश्चन पर एंड किए थे फर्स्ट पार्ट को। आज अपन स्टार्ट करेंगे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 164 से। ये कैंट रिपर्ट्री का सेकेंड पार्ट है फ्रेंड्स। जो ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, वो जाकर के कैंट रिपर्ट्री के फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, तभी उनको आगे का ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 164। डिजायर एंड अवर्जन आर फाउंड इन द कैंट रिपर्ट्री, स्टमक, एब्डोमन, माइंड एंड जनरलिटीज़। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टमक में मिलेगा ये डिज़ायर एंड एवर्जन। चलिए इसके बारे में थोड़ा लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इन BTPP डिज़ायर एंड एवर्जन आर फाउंड इन द चैप्टर हंगर एंड थर्स्ट, एंड BBCR में एपिटाइट में मिलेगा, एंड सिंथेसिस रिपर्ट्री में जनरलिटीज़ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। कैंट रिपर्ट्री में डिज़ायर एंड अवर्जन मिलेगा स्टमक में, BTPP में मिलेगा हंगर एंड थर्स्ट में, BBCR में मिलेगा एपिटाइट में, एंड सिंथेसिस रिपर्ट्री मिलेगा जनरलिटीज़ में। ठीक है, जनरलिटीज़ के अंदर भी रूब्रिक फूड एंड ड्रिंक के अंदर मिलेगा आपको सिंथेसिस रिपर्ट्री में। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 165। वर्म्स इन स्टूल इज ए फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्ट्री, एब्डोमन, स्टूल, डायरिया और रेक्टम। द राइट आंसर इज रेक्टम में। एंड BTPP में किसे मिलेगा ये, स्टूल में मिलेगा हमको। ठीक है, BTPP में किसे मिलेगा हमको ये, स्टूल वाले चैप्टर में मिलेगा। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वर्म इसमें कैंट रिपर्ट्री में रेक्टम में है, एंड BTPP में स्टूल वाले चैप्टर में आपको मिलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 166। मैचिंग के लिए दिया गया है, एक साइड रूब्रिक है एंड सेकंड साइड कैंट रिपर्ट्री है। तो देखते हैं अपन रूब्रिक को मैच करेंगे, कैंट रिपर्ट्री में कहाँ पे मिलेगा हमको ये। फर्स्ट नंबर है एबेज्यू, एबेज्यू किससे मिलेगा हमको, माइंड में मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज मैच विथ ऑप्शन थ्री, माइंड में। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंटॉक्सिकेटेड हमको मिलेगा वर्टिगो में, मैच विथ ऑप्शन वन, बी मैच विथ ऑप्शन वन। फिर क्या है, स्ट्रिक्चर किससे मिलेगा हमको, यूरेथ्रा में मिलेगा, तो ऑप्शन सी मैच विथ ऑप्शन फोर। उसी तरह स्टेरिलिटी किसमें मिलेगा हमको, जेनाइटिलिया में मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3142। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, मैच कर लेते हैं अच्छे से इसको। ऑप्शन वन एबेज्यू मिलेगा हमको, माइंड में मिलेगा। ठीक है, इंटॉक्सिकेटेड मिलेगा हमको वर्टिगो में मिलेगा, एंड जेन स्ट्रिक्चर मिलेगा हमको यूरिथ्रा में, एंड स्टेरिलिटी मिलेगा हमको जेनाइटिलिया में। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। स्टैमरिंग रूब्रिक इज ए फाउंड इन द चैप्टर इन कैंट रिपर्ट्री, स्टैमरिंग हमको कहाँ मिलेगा कैंट रिपर्ट्री में, माउथ मिलेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, माउथ। चलिए इसके बारे में लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। लिटिल मोर में फ्रेंड्स, कीप इन माइंड दैट द रूब्रिक रिलेटेड टू स्पीच एंड वॉइस इज ए गिवन इन थ्री चैप्टर इन कैंट रिपर्ट्री, माइंड, माउथ, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। ठीक है, स्पीच एंड वॉइस से रिलेटेड हमको तीन चैप्टर मिलेगा, माइंड, माउथ एंड लैरिंग्स एंड ट्रेकिया में। सो यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड आई एडवाइस टू यू दैट प्लीज़ गो थ्रू दिस चैप्टर एटलीस्ट वंस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। इंक्लाइनेशन टू लाई डाउन इन विच चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्ट्री, माइंड, जनरलिटीज, हेड एंड वर्टिगो। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जनरलिटीज मिलेगा हमको इंक्लाइनेशन टू लाई डाउन। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं फ्रेंड्स एग्जाम्स में, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड सीट इंक्लिनेशन टू फाउंड इन द चैप्टर इन द माइंड। ठीक है फ्रेंड्स, कैंट रिपर्ट्री द रूब्रिक सीट इंक्लिनेशन टू फाइंड इन द माइंड चैप्टर में, एंड इंक्लिनेशन टू लाई डाउन इन द जनरलिटीज में। तो इस टॉपिक को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इंक्लिनेशन टू लाई डाउन दिया है, ये जनरलिटीज में मिलेगा कैंट रिपर्ट्री में, लेकिन इंक्लिनेशन टू लाई ऑनली दिया होगा तो ये हमको कहाँ मिलेगा, माइंड चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169। एवर्जन टू हस्बैंड इज ए प्रेजेंट इन विच चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्ट्री,
जनरलिटीज फीमेल माइंड एंड हेड, द राइट आंसर इज माइंड में मिलेगा हमको एवर्जन टू हस्बैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, इन विच चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्टी इज ए ब्लडी स्प्लीटिंग स्पिटिंग इज ए फाउंड, रिस्पायरेशन, एक्सपेक्टोरेशन, चेस्ट एंड कफ। द राइट आंसर इज एक्सपेक्टोरेशन में मिलेगा हमको ब्लडी स्पिटिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग याद करते चलिए साथ साथ, तो आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर हो सके तो आप लोग खुद से आंसर भी खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी साथ ही साथ। ठीक है, तो BBCR में कहाँ मिलेगा हमको ये ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन, कफ में मिलेगा। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कैंट रिपर्टरी में मिल रहा है हमको एक्सपेक्टोरेशन में, एंड BBCR में किस में है ये, ठीक है, BBCR में हमको मिलेगा ये कफ में, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैंट रिपर्टरी में एक्सपेक्टोरेशन में है, एंड BBCR में कफ में मिलेगा हमको ब्लडी स्पिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 171, क्वेश्चन क्या है, इन विच चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्टी द रूब्रिक फाइमोसिस एंड पैराफिमोसिस इज ए फाउंड, माइंड, स्किन, जेनरलिटीज एंड जेनाइटिलिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जेनाइटिलिया में मिलेगा हमको फाइमोसिस एंड पैराफाइमोसिस। चलिए इसके बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। फाइमोसिस किसे कहेंगे हम, इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द प्रीप्यूटल स्किन इन द डिस्क्राइब एज ए फिमोसिस, एंड पैराफिमोसिस क्या है, इन दिस कंडीशन द रिट्रैक्टेड स्किन ऑफ द ग्लैंड पेनिस कैन नॉट बी पुल्ड फॉरवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों टर्म्स में अंतर है, आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 172, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेमेडी फॉर कैरीज ऑफ इबोला, एसिड फ्लोरिकम, साइलिशिया, हिपासल्फ एंड कैलेंडुला। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, साइलिशिया। ठीक है, कैरीज ऑफ इबोला के लिए लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में थोड़ा अपन। साइलिशिया इज द प्रेजेंट इन द ऑलमोस्ट ऑल रूब्रिक रिलेटेड टू द कैरीज ऑफ बोन, अपर लिम्स, शोल्डर जॉइंट, ह्यूमरस, एल्बो, रिस्ट, मेटाकार्पल बोन्स, फिंगर्स, लोअर लिम्स, फीमर, नी, टीबिया, एंकल, फुट, टोज एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी में पाए जाएंगे कैरीज ऑफ इबोला साइलिशिया मेडिसिन में। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173, कैंट रिपर्टरी इज ए टाइप ऑफ सिंथेटिक रिपर्टरी, जनरल रिपर्टरी, रीजनल रिपर्टरी और पर्टिकुलर रिपर्टरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जनरल रिपर्टरी। ठीक है, कैंट कैसी रिपर्टरी, जनरल रिपर्टरी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जैसे कि बोरिक है क्लिनिकल रिपर्टरी, उसी तरह कैंट है जनरल रिपर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 174, इन विच चैप्टर कैंट रिपर्टरी इज ए रूब्रिक इंडोलेंस फाउंड, इंडोलेंस कहाँ मिलेगा हमको ये, हेड, जनरलिटीज, माइंड और स्लीप। द राइट आंसर इज माइंड में मिलेगा हमको। इंडोलेंस का मतलब क्या होता है, एवर्जन टू वर्क। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इंडोलेंस का मतलब होता है एवर्जन टू वर्क, ये हमको माइंड चैप्टर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175, इन विच चैप्टर कैंट रिपर्टरी इज द रूब्रिक अफेक्सिनेट फाउंड, अफेक्सिनेट किस में मिलेगा हमको, ये भी माइंड चैप्टर में मिलेगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 176, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर ग्रेडिंग ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द मेडिसिन इन कैंट रिपर्टरी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज फॉर ग्रेडिंग ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मेडिसिन कैंट रिपर्टरी, रिकॉर्डिंग, कन्फर्मेशन बाय रिप्रूविंग, वेरिफिकेशन अपॉन द सिक एंड रिसर्चेज। द राइट आंसर इज रिसर्च। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिटिल इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। द ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम ऑफ मेडिसिन इज जज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग थ्री फैक्टर, रिकॉर्डिंग ऑफ द सिम्टम ऑफ ड्रग प्रूविंग, कन्फर्मेशन बाय द रिप्रूविंग एंड द वेरीफिकेशन अपॉन द सिक। ठीक है, ये थ्री फैक्टर पर डिपेंड करती है आपकी ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अपन। सो फ्रेंड, From above statement is a very clear that the option A, B and C are right. It seems that the examiner wanted to ask which one is the not used for gradation of medicine and it may be the mistake of printing. ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट भी राइट हैं बोल रहे हैं साथ ही साथ, रिकॉर्डिंग ऑफ द सिम्टम, कन्फर्मेशन बाय द रिप्रूविंग एंड द वेरीफिकेशन अपॉन द सिक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 177, मैचिंग के लिए दिया गया है, रूब्रिक है, अनदर साइड चैप्टर है, जैसे कि थियोराइजिंग किसे मिलेगा हमको, माइंड में मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन वन मैच विथ थ्री। बाल्डनेस किसे मिलेगा हमको, हेड में मिलेगा। ठीक है, बाल्डनेस मिलेगा हमको हेड में। एम्योरेसिस किसने मिलेगा हमको, मिलेगा आई में मिलेगा ये। एंड एपिस्टेक्सिस किस में मिलेगा, नोज में। ठीक है,
ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, डी 3142। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। थियोराइजिंग है माइंड में है, बाल्डनेस हमको हेड में मिलेगा, एम्यूरेसिस मिलेगा आई में, एनिपिस्टेक्सिस मिलेगा नोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। इन विच चैप्टर ऑफ कैंट्री पट्टी द सेंसेशन ऑफ फॉर्मिकेशन इज एनस फाउंड, तो ये मिलेगा हमको रेक्टम में। ठीक है, फॉर्मिकेशन इन द एनस फाउंड इन द रेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। रेमेडी फॉर एवर्जन टू ऑनियन किस में मिलेगा हमको, सेबेडीला में। ठीक है, एवर्जन टू ऑनियन किसको रहती है, सेबेडीला को रहती है। एंड गार्लिक की एवर्जन किसको रहती है, गार्लिक की एवर्जन भी सेबेडीला को रहती है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑनियन एंड गार्लिक की एवर्जन सेबेडीला को रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप लोग को साथ साथ बताते जा रही हूँ। ठीक है, गार्लिक की भी एवर्जन रहती है सेबेडीला को, ऑनियन के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। इन विच सेक्शन ऑफ कैंट्री पट्टी डू यू फाइंड द रूब्रिक लाई एंड लाई विद लिम्स अबडक्टेड, जनरलिटीज, एक्सट्रीमिटीज, स्लीप एंड माइंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सट्रीमिटीज में मिलेगा हमको लाई विथ लिम। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन है, इसके लिए मेडिसिन है कैमोमिला, सोराइनम एंड सल्फर। लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं, रूब्रिक इंक्लिनेशन टू लाइट डाउन इन कैंट्री पट्टी इज द जनरलिटीज, एंड द रूब्रिक सिट इंक्लिनेशन टू कैंट्री पट्टी इज द माइंड, एंड द लाइट डाउन इंक्लिनेशन टू द सिट इंक्लिनेशन टू द बोथ रूब्रिक्स आर फाउंड इन चैप्टर सेंसेशन इन BTPB में। ठीक है फ्रेंड्स, इंक्लिनेशन टू लाइट डाउन ये हमको जनरलिटीज में मिलेगा कैंट्री पट्टी में। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग नोट करते जाइए साथ में, इंक्लाइनेशन टू लाई डाउन है वो कैंट्री पट्टी में जनरलिटीज में है, एंड सिट इंक्लाइनेशन टू है वो माइंड चैप्टर में मिलेगा। दोनों वर्ड में डिफरेंस है फ्रेंड। ठीक है, आप लोग इसमें मिस्टेक मत करिएगा एग्जाम में कि जनरलिटीज में टिक करना है कि माइंड में टिक करना है। इंक्लाइनेशन टू लाई डाउन जनरलिटीज में है, सिट इंक्लाइनेशन है माइंड चैप्टर में, एंड BTPB में लाई डाउन इंक्लाइनेशन टू है, साथ ही साथ सिट इंक्लाइनेशन टू है सेंसेशन चैप्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इसको। नंबर 181, फिर से मैचिंग के लिए दिया गया है, एक साइड सिम्टम और दूसरी साइड मेडिसिन है। ठीक है, चिल्ड्रन एवर्जन टू किस में मिलेगा हमको, ये प्लैटिना में। ठीक है, ऑप्शन वन इज मैच विथ ऑप्शन टू, प्लैटिना में। चिल्ड्रंस एवर्जन टू कैन नॉट टुक एट ब्लड, कैन नॉट लुक एट ब्लड, ये किसे मिलेगा हमको, एलुमिना। ब्लड देखने से, नाइफ देखने से उसको किलिंग की क्रैबिंग होने लगती है। ठीक है, कैन नॉट लुक एट ए ब्लड, या फिर उसको डर लगने लगता है ब्लड में, नाइफ में ब्लड देखने से। बिजनेस एवर्जन टू किसने मिलेगा हमको, सीपिया में। ठीक है, और टॉक टू बिजनेस किसने मिलेगा हमको, ब्रायोनिया में। चिल्ड्रन एवर्जन टू प्लैटिना, कैन नॉट लुक एट ब्लड, एलुमिना। बिजनेस एवर्जन टू सीपिया, एंड टॉक ऑफ बिजनेस इज द ब्रायोनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एवर्जन टू बिजनेस हमको और कौन कौन सी मेडिसिन में देखने को मिलेगा, सीपिया के अलावा ब्रोमियम में, पल्सेटिला में एंड सल्फर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ब्रोमियम में, पल्सेटिला में एंड सल्फर में। ठीक है, सीपिया के अलावा हमको ये सारी मेडिसिन में भी हमको देखने को मिलेगा ये, और सल्फर। ठीक है, ब्रोमियम, सल्फर एंड पल्सेटिला में, तो ये तीनों मेडिसिन में एवर्जन टू बिजनेस हमको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक क्या था, बिजनेस स्टॉक ऑफ, बिजनेस के बारे में जो बातें करते हैं ज़्यादा, उन वो कौन कौन सी, सबसे पहले तो ब्रायोनिया है, उसके अलावा हमको कौन कौन सी मेडिसिन मिलेगा, आर्सेनिक में, बेलाडोना में। ठीक है, ये एग्ज़ाम में कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप लोग को साथ साथ बताते जा रही हूँ। ब्रायोनिया में, आर्सेनिक में एंड हाइओसाइमस में। ठीक है, इसकी तीन मेडिसिन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। कैंट रिपर्टोरियम जनरल वॉज पब्लिश इन द, पेरी स्मिथ, जॉर्ज कुंजली, पी श्री श्रीवरन शिवरमन एंड आर पी पटेल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जॉर्ज कुंजली। चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कैंट रिपर्टोरियम जनरल, इट वॉज द फर्स्ट पब्लिश इन द 1987 इन जर्मनी लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी 1987 में। इंग्लिश एडिशन वॉज पब्लिश इन द 1990। डॉक्टर कुंजली वॉज ए पीपल फॉर डॉक्टर पेरी स्मिथ, जिनेवा। कुंजली एडेड मैनी ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमन फॉर दिस क्रॉनिक डिसीज एंड मटेरिया मेडिका प्यूरा। रेड डॉट्स नो एज ए रेड पॉइंट ऑफ कुंजली रिप्रेजेंट कुंजली ऑन थेरापेटिक एक्सपीरियंसेस। इन सम प्लेस ब्लैक पॉइंट आर फाउंड
बिहाइंड द ड्रग इट मीन्स द थेरापेटिक इफिकेसी ऑफ द रेमेडी हैज़ बीन फ्रिक्वेंटली वेरीफाइड. द वर्क वॉज कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय द माइकल बार्थर विद द एबल असिस्टेंट ऑफ चेरेटोली बार्थल एंड द लाइस साइडर. ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183. वोपिंग कप बिलोंग टू द चैप्टर, किससे मिलेगा हमको वोपिंग कप? कैंट रिपर्ट्री में, जर्नल्टीज में, एक्सपेक्टोरेशन में, या चेस्ट में, या कफ में? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए जल्दी से अगर किसी को पता हो तो. तो राइट आंसर क्या है हमको इसे मिलेगा? कफ में मिलेगा हमको वोपिंग कप. ठीक है, वोपिंग कप हमको किससे मिलेगा? कफ में मिलेगा. तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रेक्स बिलोंग टू द कैंट चैप्टर, किससे मिलेगा हमको? प्रेस्पायरेशन, स्किन, एब्डोमेन या एक्सट्रीमिटीज़? एंथ्रेक्स मिलेगा हमको एक्सट्रीमिटीज में मिलेगा ये. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 185. रूब्रिक रीलिंग, रीलिंग किससे मिलेगा हमको? ये वर्टाइगो चैप्टर में मिलेगा. ठीक है, साथ साथ आप लोग याद करते चलिए मेरे साथ साथ, तो आप लोग को ईजी रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेमेडी फॉर बेनिवेलेंसेस. ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमेशा रिपीट किए ही जाते हैं एग्जाम में. तो ये किस कौन सी मेडिसिन है? कैंट रिपर्ट्री में कॉफी अक्रूडा है. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. बेनिवेलेंसेस की मेडिसिन है कैंट रिपर्ट्री में कॉफी अक्रूडा. कैंट रिपर्ट्री में डायरिया रेक्टम में मिलेगा, और बीटीपीबी में किस में मिलेगा हमको? ये स्टूल में मिलेगा. ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. डायरिया चैप्टर कैंट रिपर्ट्री में रेक्टम में मिल रहा है. ठीक है, और बीटीपीबी में किस में मिलेगा? ये मिलेगा आपको स्टूल चैप्टर में मिलेगा. तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहे आप लोग को एग्ज़ाम में, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. कैंट में पूछेगा तो आपको रेक्टम में करना है, और बीटीपी में पूछेगा तो स्टूल में आपको करेक्ट करना है. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188. याइंग इज अ प्रेजेंट इन द चैप्टर रिस्पायरेशन, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया, स्लीप एंड जर्नल्टीज. स्लीप में मिलेगा हमको. ठीक है, सोने के टाइम ही अपन याइंग करते हैं, तो इस तरह से अपन लॉजिक ला के कुछ भी याद कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189. ठीक है, हाउ मैनी चैप्टर आर देयर इन कैंट्रीपर्टी? कैंट्रीपर्टी में कितने चैप्टर हैं? ये तो आप सभी को अच्छे से पता ही है, 37 चैप्टर है. चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन. कैंट्रीपर्टी फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुई थी? 1897 में, सेकेंड 1908 में, थर्ड एडिशन 1924, फिर 1935, 1945, 1957 अमेरिकन एडिशन, एंड 1961 इंडियन एडिशन पब्लिश हुई थी, जो कि 6th एडिशन है. ठीक है, तो हमेशा अक्सर एग्ज़ाम में फर्स्ट एडिशन के बारे में पूछता है, साथ ही साथ कभी भी 6th एडिशन के बारे में पूछ देता है. इंडियन एडिशन कब पब्लिश हुई थी? तो 1961 में. ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन अमेरिकन एडिशन के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा. 1957 में अमेरिकन एडिशन, एंड 1961 में इंडियन एडिशन पब्लिश हुई थी, एंड फर्स्ट एडिशन हुई थी 1897 में. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 191. फर्स्ट एडिशन ऑफ कैंट रिपर्ट्री वॉज पब्लिश इन द 1897. ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने देखा है फर्स्ट एडिशन 1897 में, एंड इंडियन एडिशन 1961 में, एंड अमेरिकन एडिशन 1957 में. ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 192. इन कैंट रिपर्ट्री रूब्रिक ड्रीम्स इज ए फाउंड इन स्लीप, जनरलिटीज, माइंड एंड हेड. तो किस में मिलेगा हमको ड्रीम्स? स्लीप में मिलेगा. सोएंगे तभी तो ड्रीम्स आएंगे ना. ठीक है, जागते हुए भी ड्रीम्स देखते हैं कि आप लोग. हाँ, वो ड्रीम अलग होता है और ये ड्रीम अलग है. ठीक है फ्रेंड्स, तो कैंट रिपर्ट्री में ये ड्रीम्स हमको स्लीप में मिलेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 193. इन कैंट रिपर्ट्री रूब्रिक कन्वर्जन इज द कन्वर्जन इज टू बी लुकड इन हेड, माइंड, जनरलिटीज और ड्रीम्स. कन्वर्जन किस में मिलेगा हमको कैंट रिपर्ट्री में? ये मिलेगा हमको जनरलिटीज में. ठीक है फ्रेंड्स, कन्वर्जन जनरलिटीज में मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 194. स्मॉलेस्ट चैप्टर इन कैंट रिपर्ट्री. तो हमने पिछले वीडियो में देखा था हियरिंग, हियरिंग है स्मॉलेस्ट चैप्टर इन कैंट रिपर्ट्री. ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं अपन. ओनली फोर रूब्रिक्स आर फाउंड इन चैप्टर इन हियरिंग.
एक्यूज डिस्टेंट इल्यूजन एंड इम्पेयर्ड, ठीक है, इसके बारे में मैंने कैंट रिपर्टी के फर्स्ट चैप्टर में भी बताया है। अभी इसमें फिर से देख लेते हैं अपन, ठीक है। इसमें चार रूब्रिक देखने को मिलेंगे हेरिंग में अपन को, एक्यूट डिस्टेंट इल्यूजन एंड इम्पेयर्ड। लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन, स्मॉलेस्ट चैप्टर रूब्रिक वाइज हियरिंग है, 4 रूब्रिक्स 3 पेजेस, एंड स्मॉलेस्ट चैप्टर पेज वाइज है प्रोस्टेट है, 21 रूब्रिक्स इन 2 पेजेस, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। कैंट स्टार्टेड हिज वर्क ऑन रिपर्टरी फ्रॉम ली रिपर्टरी, लिपी रिपर्टरी, बोनिंग हसन और जार रिपर्टरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लिपी रिपर्टरी। कैंट स्टार्टेड हिज वर्क ऑन रिपर्टरी फ्रॉम लिपी रिपर्टरी, ठीक है। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। ड्यूरिंग कैंट टाइम रिपर्टरीज ऑफ बोनिंग हसन एंड द लिपी वे आर कॉमनली यूज फॉर वर्किंग आउट केसेस। ही केयरफुली वेंट थ्रू बोथ देम एंड ऑल्सो बिगर्स डेरी मेंटन डिसीज ऑफ द वुमन जार रिपर्टरी। ही लाइक द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स टेक इन लिपि रिपर्टरी बट ही वॉज नॉट द सेटिस्फाइड विद द रूब्रिक एंड द नंबर ऑफ रेमेडीज यूज। क्वेश्चन नंबर 196। इन कैंट रिपर्टरी द कंप्लेंट्स एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज कैन बी लोकेटेड इन द रूब्रिक। किसे मिलेगा हमको? बैड में मिलेगा, ठीक है। एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज हमको बैड में मिलेगा, ये द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 197। इन कैंट रिपर्टरी टैब्स मिसेंट्रिका इज द फाउंड इन विच चैप्टर? एबडोमन, जर्नलिटीज, रेक्टम एंड स्टमक। द राइट आंसर इज एबडोमन, ठीक है। टैब मिसेंट्रिका, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये हम हमको एबडोमन में मिलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द ग्रेडिंग और इवोल्यूशन ऑफ द मेडिसिन इन कैंट रिपर्टरी, ठीक है। रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग प्रूविंग, कन्फर्मेशन बाय द रिप्रूविंग एंड द वेरीफिकेशन अपॉन द सिक। ये सभी तो था लेकिन इसमें ये नहीं आएगा, नॉट यूज दिया है। रिसर्च ऑन एनिमल्स, ठीक है, रिसर्च ऑफ एनिमल्स नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग प्रूविंग, कन्फर्मेशन बाय रिप्रूविंग एंड द वेरीफिकेशन अपॉन द सिक, ये सभी आपके इवोल्यूशन ऑफ ग्रेडेशन और इवोल्यूशन ऑफ द मेडिसिन में आएगा ये, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 199। मेडिसिन अंडर द रूब्रिक वार्ड्स ऑन स्टर्नम इन कैंट रिपर्टरी, नाइट्रिक एसिड, एसिड म्यूर, एकोनाइट और ब्राइनिया। द राइट मेडिसिन इज द नाइट्रिक एसिड, ठीक है। वार्ड्स ऑन स्टर्नम हमको कौन सी मेडिसिन मिलेगी? नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200। स्वेट ऑन स्टर्नम इन कैंट रिपर्टरी, तो ये आप सभी को अच्छे से पता है, ग्रेफाइटिस की मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 201। हाइड्रोसिल बिलोंग टू द चैप्टर कैंट रिपर्टरी में कहाँ मिलेगा हमको ये? जनरलिटीज में, एब्डोमन में, स्किन में या नन ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। हाइड्रोसिल ना हमको जनरलिटीज में मिलेगा, ना एब्डोमन में मिलेगा, ना ही स्किन में मिलेगा। ये हमको कहाँ मिलेगा? ये हमको मिलेगा जेनाइटेलिया मेल में मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद करिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत हुई। कई लोग जनरलिटीज में टिक करके आ सकते हैं पर ये नन ऑफ द अबव आएगा इसका राइट आंसर। ये हमको कहाँ मिलेगा? जेनाइटेलिया मेल में मिलेगा। हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम मेल्स में होती है तो जेनाइटेलिया मेल में मिलेगा हमको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 202। एस्टिग्मेटिज्म इन द कैंट रिपर्टरी बिलोंग टू चैप्टर, ठीक है। ये तो हमको आई में मिलेगा, आई में प्रॉब्लम है तो आई में मिलेगा, ठीक है। विजन मत करिएगा आप लोग, विजन इज अ नॉट राइट आंसर नहीं है। एस्टिग्मेटिज्म हमको आई में मिलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 203। ब्लू ल्यूकोरिया इन कैंट रिपर्टरी, एम्ब्राग्रिसिया, सीपिया, हाइड्रास्टेसिस और एलुमिना। ब्लू ल्यूकोरिया किस में मिलेगा हमको? एम्ब्राग्रिसिया में मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर तो आप सभी लोग अच्छे से पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 204। ऑफ द बिलो विच इज़ द अंडर जनरलिटीज ऑफ द कैंट रिपर्टरी, ठीक है। जनरलिटीज़ के अंदर कौन सा आएगा? एवॉकनेट, ये किस में आएगा पहला वाला? एक्वाडनेस, ये हमको मिलेगा एक्सट्रीमिटीज से मिलेगा, ठीक है। चिलीनेस किस से मिलेगा हमको? ये एक्सट्रीमिटीज से मिलेगा हमको। चिलीनेस फ्रॉम हैंड आउट ऑफ द बेड, ये किस में मिलेगा हमको? फीवर में मिलेगा ये, ठीक है। चिलीनेस फ्रॉम हैंड आउट ऑफ द बेड, तो ये हमको फीवर में सिम्टम में मिलेगा हमको। एंड द लेप्रेसी, सोरियसिस, इरप्शन, ये किस में हमको? स्किन में मिलेगा, ठीक है। तो ये जनरलिटीज में हमको सिर्फ फील्स बेटर वैन कॉन्स्टिपेटेड, ये सिम्टम हमको जनरलिटीज में मिलेगा, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कैंट रिपर्टरी में एक्वाडनेस किस में मिलेगा हमको? एक्सट्रीमिटीज़ में।
चिलीनेस फ्रॉम द हैंड आउट ऑफ द बेड फ्रॉम ही हमको फीवर में मिलेगा, एंड द लेप्रेसी सोरियसिस इरप्शन हमको स्किन में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 205, फर्स्ट ग्रेट रेमेडी फॉर द इडिमा ऑफ वोकल कॉर्ड, लैकेसिस, लाइकोपोडियम, क्रोटेलस ऑरिडस और द आर्सेनिक। द राइट आंसर इज लैकेसिस। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए लैकेसिस, फर्स्ट ग्रेट रेमेडी फॉर द इडिमा ऑफ द वोकल कॉर्ड। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, रूब्रिक कौन से मिलेगा, इडिमा ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 206, द ओनली फर्स्ट ग्रेट रेमेडी फॉर द हीमोराइड्स अल्टरनेटिंग विद पाल्पिटेशन, किस में मिलेगा हमको, कैंट रेपर्टी में, कौन सी मेडिसिन में, कोलिनसोनिया, एलो, सल्फर या एस्कुलस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कोलिनसोनिया में मिलेगा हमको। क्या है, फर्स्ट ग्रेट रेमेडी फॉर हीमोराइड्स अल्टरनेट विद पाल्पिटेशन के साथ, अगर अल्टरनेट हो हीमोराइड्स के सिम्टम, तो ये कौन सी मेडिसिन है, कोलिनसोनिया में हमको ये सिम्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, हीमोराइड्स अल्टरनेटिंग विद पाल्पिटेशन है कोलिनसोनिया, एंड हीमोराइड अल्टरनेटिंग विद लंबिगो है वो है एलोई मेडिसिन। ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, एलोई के साथ है ये, हीमोराइड्स अल्टरनेटिंग विद लंबिगो के साथ एलोई मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 207 में, ऑल आर द फर्स्ट ग्रेट रेमेडी फॉर द रिजिडिटी ऑफ ओस ड्यूरिंग लेबर एक्सेप्ट कॉलोफाइलम, बेलाडोना, कैमोमिला और जेल्सीमियम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बेलाडोना। क्या बोला सिम्टम, ऑल आर द फर्स्ट ग्रेट रेमेडीज फॉर द रिजिडिटी ऑफ ड्यूरिंग द लेबर एक्सेप्ट। ठीक है, बेलाडोना को छोड़ के सभी में फर्स्ट ग्रेट रेमेडी आते हैं रिजिडिटी ऑफ ऑस ड्यूरिंग द लेबर, बेलाडोना में ये सिम्टम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 208, इन कैंट रिपर्टी द रूब्रिक कोल्डनेस पेनफुल नर्व्स अलॉन्ग इज द फाउंड इन द चैप्टर, कोल्डनेस पेनफुल नर्व्स अलॉन्ग विथ फाउंडनेस इन द चैप्टर, स्किन, जनरलिटीज, एक्सट्रीमिटीज और चिल। तो किसमें मिलेगा हमको, ये स्किन में मिलेगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, कोल्डनेस पेनफुल नर्व्स अलॉन्ग, ठीक है, ये सिम्टम को याद रखिएगा आप लोग, कोल्डनेस पेनफुल नर्व्स अलॉन्ग हमको स्किन में मिलेगा ये। इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन है इस सिम्टम के लिए, कोल्डनेस कोल्डनेस पेनफुल नर्व्स अलॉन्ग के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है, लीडम्पाल, ठीक है, मक्सॉल एंड फैलिशिया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इस सिम्टम के लिए तीन मेडिसिन है, लीडम्पाल, मक्सॉल एंड फैलिशिया, कोल्डनेस पेनफुल नर्व्स अलॉन्ग कैंटी पट्टी में हमको स्किन में मिलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 209, इन कैंट रिपर्टी द रूब्रिक रॉकिंग एमुलेशन इज द फाउंड इन द विच चैप्टर, माइंड, जनरलिटीज, एक्सट्रीमिटीज और स्किन। किस में मिलेगा हमको ये हमको मिलेगा माइंड सेक्शन में, रॉकिंग एमुलेट। ठीक है, ये सिम्टम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, रॉकिंग एमुलेट किस में मिलेगा हमको, माइंड में मिलेगा ये। इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन है, एकोनाइट, कैमोमिला, सीना, पल्सेटिला एंड डस्ट्रॉक्स। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, एकोनाइट, कैमोमिला, सीना, पल्सेटिला एंड डस्ट्रॉक्स, इस सिम्टम के लिए ये मेडिसिन है, ये हमको माइंड सेक्शन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210, इन कैंट रिपर्टी द रूब्रिक इनसफिशियंट, इनकम्प्लीट, अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल इज ए फाउंड इन द विच चैप्टर, माइंड, स्टूल, एब्डोमन और रेक्टम। तो किससे मिलेगा, आप लोग सोचेंगे स्टूल में होगा लेकिन रॉन्ग है, ये रेक्टम में है। ठीक है, आपका आंसर गलत हो सकता है, इनसफिशियंट, इनकम्प्लीट, अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल, स्टूल में ना होकर के रेक्टम में है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, लोग बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 211, द रूब्रिक सीट इंक्लाइनेशन टू रिप्रेजेंट इन विच चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्टी। ठीक है, सीट इंक्लाइनेशन टू लाई डाउन किस में था, जनरलिटीज में था, सीट इंक्लाइनेशन टू किस में है, इसमें किस में मिलेगा हमको, माइंड सेक्शन में, अभी हमने पिछले देखा है इसको, तो ये हमको मिलेगा माइंड में। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, सीट इंक्लाइनेशन टू लाई डाउन जनरलिटीज में है एंड सीट इंक्लाइनेशन टू ओनली माइंड में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 212, द रूब्रिक टच इल्यूजन ऑफ द रिप्रेजेंट इन द विच चैप्टर इन कैंट रिपर्टी, टच इल्यूजन, माइंड में, जनरलिटीज में,
या आईज में या एक्सट्रीमिटीज में। तो आप लोगों को क्या लगेगा, टच इल्यूजन है तो हो सकता है कि माइंड में होगा, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है, ये मिलेगा आपको जनरलिटीज में। ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, टच इल्यूजन मिलेगा आपको जनरलिटीज में, ना कि माइंड में, ना कि इंटेलेक्ट में भी। ठीक है, इंटेलेक्ट भी ऑप्शन दे सकते हैं इसमें, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये मिलेगा आपको जनरलिटीज में। टच इल्यूजन BTPP में किससे मिलेगा आपको, उसमें मिलेगा आपको सेंसेशन में। ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, BTPP में मिलेगा ये आपको, सेंसेशन चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, और कैंट में किससे मिल रहा है, ये आपको जनरलिटी से मिल रहा है, ना कि माइंड में और ना ही इंटेलेक्ट में। ठीक है, तो इसको अभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213, लाई डाउन बिफोर डिनर मस्ट इज द सब रूब्रिक ऑफ विच मेन रूब्रिक इन द सब चैप्टर जनरलिटीज ऑफ द कैंट्री पटरी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाई डाउन बिफोर डिनर मस्ट इज अ सब रूब्रिक ऑफ विच मेन रूब्रिक इन द चैप्टर जनरलिटीज ऑफ कैंट्री पट्टी में। ठीक है, कैंट्री पट्टी के जनरलिटीज में सब चैप्टर में किस रूब्रिक में आपको ये लाई डाउन बिफोर डिनर मस्ट मिलेगा। ठीक है, सब रूब्रिक में मिलेगा ये हमको जनरलिटीज चैप्टर में। तो किससे मिलेगा हमको, लास्टिट्यूड, डिनर, वेयरिनेस और लाई डाउन। तो राइट आंसर क्या है बताइए आप लोग, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लास्टिट्यूड में मिलेगा हमको। ठीक है, लाई डाउन बिफोर डिनर मस्ट। ठीक है, ये सिम्टम भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214, द रूब्रिक फॉरेन बॉडीज सेंसेशन एज ए स्मॉल फॉरेन बॉडीज आर ग्रेन्स ऑफ सैंड अंडर द स्किन इज द रिप्रेजेंट अंडर द विच चैप्टर ऑफ कैंट्री पटरी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फॉरेन बॉडीज सेंसेशन एज ए स्मॉल फॉरेन बॉडीज और ग्रेन्स ऑफ सैंड अंडर द स्किन, ये किससे मिलेगा हमको, स्किन में, माइंड में, एक्सट्रीमिटीज में या जनरलिटीज में, किसमें मिलेगा हमको ये। ये आप लोग सोचेंगे कि स्किन में होगा, तो नहीं है ये स्किन में, ये है जनरलिटीज में। ठीक है, राइट आंसर है जनरलिटीज में मिलेगा हमको, और इसकी मेडिसिन कौन सी है, कोकीन। ठीक है, कोकीन है इसकी मेडिसिन, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन एज ए स्मॉल फॉरेन बॉडीज और ग्रेन्स और इज सैंड अंडर द स्किन में। ठीक है, इसका राइट आंसर जनरलिटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 215, फर्स्ट ग्रेड रेमेडीज फॉर द पैरालिसिस एजाइटन्स, टेरेंटूला, प्लम्बम मेट, जिंगम मेट और बराइटा कार्ब, कौन सी मेडिसिन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जिंगम मेट है। ठीक है, पैरालिसिस एजाइटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216, इन कैंट्री पट्टी द रूब्रिक टॉर्टिकोलिस इज फाउंड इन द थ्रोट, एक्सटर्नल थ्रोट, एक्सट्रीमिटीज और द जनरलिटीज। द राइट आंसर इज एक्सटर्नल थ्रोट में मिलेगा हमको। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, टॉर्टिकोलिस किस में मिलेगा आपको, एक्सटर्नल थ्रोट में मिलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 217, फर्स्ट ग्रेड रेमेडी फॉर द प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम इन द चिल्ड्रन इन कैंट्री पट्री। ठीक है, प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम इन द चिल्ड्रंस, पोडोफाइलम, नक्सोमिका, रूटा और एलोज, तो कौन सी मेडिसिन है इसके लिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पोडोफाइलम है। ठीक है, प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम इन द चिल्ड्रंस, इसके लिए मेडिसिन है पोडोफाइलम। ठीक है, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 218, फर्स्ट ग्रेड रेमेडी फॉर द क्रस्ड एंड लेसीरेटेड वुंड ऑफ फिंगर्स एंड इन द कैंट्री पट्री। ठीक है, क्रस्ड एंड लेसीरेटेड वुंड ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स एंड में क्रस्ड है, लेसीरेटेड है, तो ये हमको किसमें मिलेगा, कैंट्री पट्री में, लीडम पाल है, स्टेफाइज एरिया है एंड हाइपेरिकम है, आनिका है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइपेरिकम में मिलेगा आपको ये। ठीक है, ये सिम्टम भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्रस्ड एंड लैसिरेटेड वुंड ऑफ द फिंगर एंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 219, फर्स्ट ग्रेड रेमेडी फॉर द एबॉर्शन फ्रॉम द एक्साइटमेंट, एकोनाइट, जेलसीमियम, सीपिया और द ओपियम, इसकी कौन सी मेडिसिन है, जेलसीमियम है। ठीक है, एबॉर्शन फ्रॉम द एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट की वजह से अगर एबॉर्शन हो जाती है तो उसकी मेडिसिन है जेलसीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220, द क्रॉस रेफरेंस गिवन फॉर द एक्टिविटी डिजायर फॉर इन कैंट्री पट्री। ठीक है, वर्कहोलिक, लेबरस, बिजी एंड इंडस्ट्रियस। ठीक है, एक्टिविटी डिजायर फॉर, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, इंडस्ट्रियस।
ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। एक्टिविटी डिज़ायर फॉर इंडस्ट्रियस में है ये। चलिए इसमें लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन क्रॉस रेफरेंस के बारे में। क्रॉस रेफरेंस मीन्स है रेफरेंस मेड फॉर वन पार्ट ऑफ द बुक रजिस्टर्ड एक्सेट्रा टू अनदर पार्ट वेयर द सेम वर्ड और सब्जेक्ट इज टू बी ट्रीटेड ऑफ। क्रॉस रेफरेंस इन द रिपर्टीज मीन्स द रेफरिंग ऑफ द सिमिलर रूब्रिक्स आदर टू कंपेयर और टू इनहेंस द नॉलेज ऑफ द ग्रुप ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो देखते हैं अपन। जैसे कि BTPB में नो क्रॉस रेफरेंस, BTPB में कोई क्रॉस रेफरेंस नहीं है। कैंट रिपर्टी में अगेंस्ट द रूब्रिक इन बार्केट्स। ठीक है, BBCR में एट द एंड ऑफ चैप्टर में मिलेगा आपको क्रॉस रेफरेंस। नर रिपर्टी में हैंड साइन है। बोरिक रिपर्टी में आफ्टर द मेडिसिन है। सिंथेटिक एंड सिंथेसिस एंड कंप्यूटर रिपर्टी में अंडर द रूब्रिक इन इटैलिक्स में है एंड सिनोप्टिक की में है आफ्टर द रेमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221। मिल्की यूरिन इन कैंट रिपर्टी किसमें मिलेगा? यूरिन, किडनी, ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो मिल्की यूरिन किसमें मिलेगा हमको? ये मिलेगा हमको यूरिन में। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मिल्की यूरिन फाउंड इन द यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 222। रूब्रिक ग्वाइटर इज ए फाउंड इन द विच चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्टी? जनरलिटीज या जनरल्स, एक्सटर्नल थ्रोट, इंटरनल थ्रोट और नेक। ग्वाइटर किससे मिलेगा हमको? एक्सटर्नल थ्रोट में मिलेगा, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223। इन कैंट रिपर्टी रूब्रिक ज्वाइंटिस इज ए फाउंड इन द एब्डोमन, जनरलिटीज, स्किन और स्टमक। ठीक है, ज्वाइंटिस किस में मिलेगा हमको? ये हमको मिलेगा स्किन में। ठीक है, येलोइशनेस दिखता है उस हिसाब से अपन याद कर सकते हैं, स्किन येलोइशनेस दिखाई देता है इसलिए हमको ये स्किन में मिलेगा। ठीक है, आप लोग सोच सकते हैं जनरलिटीज में भी होगा, एब्डोमन में भी हो सकता है, लीवर प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो स्टमक में भी हो सकता है, लेकिन ये हमको स्किन में मिलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 224। थर्सलेसनेस विद डिज़ायर टू ड्रिंक कैन बी फाउंड इन द कैंट रिपर्टरी? माइंड, माउथ, स्टमक और जनरलिटीज। किसमें मिलेगा हमको ये? स्टमक में मिलेगा, थर्सलेसनेस विद डिज़ायर टू ड्रिंक। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 225। कैंट रिपर्टी द सेक्शन किडनी इज ए प्लेस इमिजिएटली आफ्टर द, किसके बाद हमको मिलेगा किडनी चैप्टर? ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा और यूरिन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्लैडर के बाद मिलेगा। ठीक है, कैंट रिपर्टी द सेक्शन किडनी इज ए प्लेस इमिजिएटली आफ्टर द ब्लैडर चैप्टर। ठीक है, ब्लैडर के बाद किडनी दिया है, जबकि किडनी सबसे पहले देना चाहिए था क्या? नहीं, ब्लैडर पहले दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ब्लैडर। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं फ्रेंड्स। रिमेंबर दैट द सब चैप्टर ऑफ यूरिनरी ऑर्गन आर गिवन इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर में दिया गया है यूरिनरी ऑर्गन को। ठीक है, यह सब आप लोग को पता था कि नहीं पता था? बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो यूरिनरी ऑर्गन को अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया है। सबसे पहले बी से आएगा, बी से ब्लैडर, फिर के से किडनी, फिर नेक्स्ट आया पी, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड देन यूरिन। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, अल्फाबेटिकली अरेंज है तो आप लोग को एग्ज़ाम में आएगा तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 226। इन कैंट रिपर्टरी एपिटाइट वॉन्टिंग इज ए फाउंड इन द विच चैप्टर? ठीक है, एपिटाइट वॉन्टिंग स्टमक में, एब्डोमन में, जनरलिटीज या माइंड में। किस में मिलेगा हमको ये? ये मिलेगा हमको स्टमक में। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एपिटाइट वॉन्टिंग। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 227। इन कैंट रिपर्टी द रूब्रिक टॉकिंग स्लीप इन द विच चैप्टर? जनरलिटी, स्लीप, माइंड और माउथ। तो ये किसमें मिलेगा? स्लीप पे सोच रहे होंगे आप लोग, स्लीप में होना चाहिए, तो ये राइट आंसर नहीं है, माइंड में मिलेगा आपको। ठीक है, टॉकिंग स्लीप इज फाउंड इन द माइंड चैप्टर में ही ये। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्लीप दिया है तो स्लीप में होना चाहिए लेकिन नहीं दिया है, टॉकिंग स्लीप इन द माइंड चैप्टर में है ये, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 228। इन कैंट मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन मोर इम्पोर्टेंस गिवन? किसको इम्पोर्टेंस दिया था कैंट ने? फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल, कनकॉमिटेंट एंड मॉर्बिडिटीज। 80-90% लोगों को तो बन गया होगा इसका आंसर, होप करती हूँ कि 99% लोगों को भी बन गया होगा। ठीक है, तो उन्हें किसको इम्पोर्टेंस दिया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मेंटल जनरल। चलिए कैंट के मेंटल जनरल पे थोड़ा सा लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन।
इन कैंट मेथड ऑफ रिपोर्टाइजेशन मोर इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू द जनरल सिम्टम, मेंटल जनरल एंड द फिजिकल जनरल। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने मेंटल जनरल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उसके बाद फिर फिजिकल जनरल पे। रिगार्डिंग द मेंटल सिम्टम कैंट वॉन, मेंटल सिम्टम आर वेरी इंपॉर्टेंट बट द सम ऑफ दिस आर द फाउंड इन द सो मैनी रेमेडीज एंड दे आर वेरी कॉमन सच एज वीपिंग, इरिटेबिलिटी, एंगर एक्सेट्रा। हिंस दिस आर नॉट द बेस्ट टू बिगेन विथ। मेंटल सिम्टम विच आर स्पेसिफाइड बाय द सर्टन फैक्टर लाइक ए एग्रावेशन, एमलोरेशन, एलिमेंट फ्रॉम एसोसिएटेड विथ आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द रिपोर्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 230। इन कैंट रिपर्टी अर्टिकेरिया इज ए फाउंड इन द विच चैप्टर, स्किन, जनरलिटीज, एक्सिमिटीज एंड ऑल ऑफ द अबव। किसने मिलेगा आप लोग बताइए? अर्टिकेरिया ये मिलेगा स्किन में। ठीक है, स्किन में ही प्रॉब्लम होती है तो स्किन में ही मिलेगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 231। इन कैंट रिपर्टरी इम्फाइमा इज द चैप्टर एब्डोमन, स्टमक, चेस्ट एंड एक्सट्रीमिटीज। तो ये तो क्लियर ही है कि ये प्रॉब्लम लंग्स में होती है, चेस्ट में मिलेगा हमको ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 232। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कैंट रिपर्टरी से। सिंगल रेमेडी फॉर द सेंसेशन ऑफ लंप इन द रेक्टम नॉट एमलोरेटेड बाई स्टूल इन द कैंट रिपर्टरी। ठीक है, सेंसेशन ऑफ लंप इन द रेक्टम नॉट एमलोरेटेड बाय द स्टूल इन द कैंट रिपर्टरी, एनाकार्डियम ओरिएंटली, सल्फर, सीपिया एंड द नक्स ओमेगा। तो किसमें मिलेगा हमको ये? सीपिया में मिलेगा। सेंसेशन ऑफ लंप इन द रेक्टम नॉट एमलोरेटेड बाय स्टूल इज द सीपिया। तो आज का वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, और यदि आप मेरे पढ़ाने का तरीका, याद कराने का तरीका यदि आप लोग को हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरा आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स अपन कार्डियोपैथी से, कंप्यूटर एंड क्लिनिकल एंड कनकॉर्डेंस रिपर्टी से रिलेटेड सारे MCQ सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। और यदि आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।